हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल कुडोस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हाउ टू कंट्रोल कंक्रीट टेम्परेचर इन हॉट वेदर कंडीशन। कंक्रीट का टेम्परेचर हॉट वेदर कंडीशन में हम किस तरह से कंट्रोल करें उसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि एस पर आईएस कोड 7861 पार्ट 1 1975 के हिसाब से कंक्रीट का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। दूसरा, हम साथ में इस वीडियो में जानेंगे कि यदि हम कंक्रीट के टेम्परेचर को हॉट वेदर कंडीशन में कंट्रोल ना कर पाए तो उसका इम्पैक्ट कंक्रीट पर क्या होगा, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ जानेंगे कि कंक्रीट का टेम्परेचर रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए एस पर आईएस कोड 7861 पार्ट 1 1975 के हिसाब से। पार्ट 1 1975 हमें बताता है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर एक्सट्रीम वेदर कंक्रीटिंग। ठीक है, वो ये बताएगा कि आपको एक्सट्रीम वेदर में किस तरह से आपको कंक्रीटिंग करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जाने कि कंक्रीट का टेम्परेचर रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, आप आईएस कोड 7861 पार्ट 1 1975 में पेज नंबर 10 पर आप देखेंगे जहां पर लिखा हुआ है कि टेम्परेचर ऑफ एग्रीगेट वाटर एंड सीमेंट शैल बी मेंटेन एट द लोवेस्ट पार्टिकल्स लेवल सो दैट द टेम्परेचर ऑफ द कंक्रीट इज बिलो 40 डिग्री सेल्सियस एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट। मतलब कि टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हो गए, एग्रीगेट वाटर सीमेंट, इनका टेम्परेचर हमें क्या करना है, मेंटेन करना है। कितना मेंटेन करना है, लोवेस्ट पर, जिससे क्या हो सके, जिससे कंक्रीट का जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस से कम हो ड्यूरिंग द प्लेसमेंट, जब हम पोरिंग करें, जब हम कंक्रीट का क्या करें, कंक्रीटिंग को जब हम प्लेस करते हैं स्ट्रिंग पर या हम कंक्रीटिंग स्टार्ट करते हैं पोरिंग करते हैं तब की बात है ये। ठीक है दोस्तों, तो आईएस कोड में यह बता दिया गया है कि आपका जो कंक्रीट का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। यदि वो टेम्परेचर आपका बढ़ता है तो आपको कौन कौन से मेजर कंट्रोल्स लेने चाहिए वो मैं आपको आज पीपीटी में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यहाँ मैंने कंक्रीट का टेम्परेचर चेक किया है मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पर, तो जो मेरा कंक्रीट का टेम्परेचर जो आया है वह आया है 34.2 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 40 डिग्री सेल्सियस से कम है। इसका मतलब ओके है, मैं इसे पोरिंग कर सकता हूँ। यदि आपके कंक्रीट का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आता है तो इसका इम्पेक्ट आपके कंक्रीट पर क्या पड़ेगा, ठीक है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। और एक्सट्रीम हॉट वेदर कंडीशन पे आपका कंक्रीट पर क्या असर होने वाला है उसके बारे में मैं आपको पहले जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कि ड्यू टू हाई टेम्परेचर द हाई रेट ऑफ इवापोरेशन इंड्यूस अर्ली प्लास्टिक श्रिंकेज अथवा ड्राई श्रिंकेज क्रैकिंग एंड द इवापोरेशन रेट कैन रिमूव सरफेस वाटर नेसेसरी फॉर द हाइड्रेशन अनलेस प्रॉपर क्यूरिंग टू बी डन। मतलब कि जब भी आपका हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होने के कारण इवापोरेशन रेट बढ़ेगा। इवापोरेशन मतलब वाष्पीभवन, ठीक है, ये वाष्पीभवन क्या करेगा, आपका प्लास्टिक श्रिंकेज अथवा ड्राई श्रिंकेज क्रेक लाएगा। ठीक है, प्लास्टिक श्रिंकेज और ड्राई श्रिंकेज मतलब कि इस तरह का कंक्रीट की सरफेस पर आपको क्रेक देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि इवेपोरेशन का रेट बढ़ चुका है, जिससे वो सरफेस पर जो वॉटर है वो क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा। रिमूव करने से क्या होगा, इवेपोरेट हो गया पूरा वॉटर आपका, तो जिससे क्या होगा, आपको सरफेस पर क्रैक देखने को मिलेगी। जितना हाइड्रेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल पाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, प्लास्टिक श्रिंकेज और ड्राई श्रिंकेज क्रैक्स आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह की क्रैक्स ना हो और हॉट वेदर कंक्रीट में हम कंक्रीट कर सके उसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो द फॉलोइंग केयर टू बी टेकन इन हॉट वेदर कंक्रीटिंग, कौन कौन से हमें फॉलोइंग केयर्स लेने चाहिए ड्यूरिंग द हॉट वेदर कंक्रीटिंग, आइए हम उसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
सबसे पहला पॉइंट है एडवांस टाइमिंग एंड शेड्यूलिंग टू अवॉइड डिलेज इन डिलीवरिंग प्लेसिंग एंड फिनिशिंग इज एसेंशियल। यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप कॉन्क्रीट का ऑर्डर दे रहे हैं तो आपको जो ऑर्डर दे रहे हैं वो आपका प्रॉपरली टाइमिंग एंड शेड्यूलिंग में होना चाहिए, जिससे आपका प्रॉपरली जो कॉन्क्रीट है वो डिलीवरी हो और आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पर टाइमली प्लेसिंग हो और उसका टाइमली फिनिशिंग हो जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपका टीएम जब साइट पर आ रहा है तो हाफ आवर या वन आवर जो है इस हॉट वेदर कंडीशन में वो जो है वहां पर डिलीवरी ना हो पा रहा हो या उसका प्लेसिंग ही ना हो पा रहा हो, तो इस तरह की दिक्कतें हो सकती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है कॉन्क्रीट टेम्परेचर टू बी लोअर्ड बाय चिल्ड वाटर आइस एज पार्ट ऑफ द मिक्सिंग वाटर। ठीक है, आप मिक्सिंग में जब हम कॉन्क्रीट बनाते हैं तो मिक्सिंग में हम वाटर का यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम चिल्ड वाटर अथवा आइस का यूज करके हम कॉन्क्रीट के टेम्परेचर को लोअर कर सकते हैं, जिससे हम हॉट वेदर कंडीशन में भी कॉन्क्रीटिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों स्प्रिंकलिंग एंड शेडिंग द एग्रीगेट प्रियर टू मिक्सिंग। जब भी मैं कॉन्क्रीटिंग बना रहा हूं तो उस कॉन्क्रीटिंग से पहले जो इंग्रेडिएंट्स है वो है एग्रीगेट, तो एग्रीगेट को आपको किसे रखना है, एक शेडिंग में रखना चाहिए। देखो आप शेडिंग में है और इसका प्रॉपर स्प्रिंकलिंग भी होना चाहिए। मैं आपको वीडियो में बता देता हूं कि किस तरह से आपको स्प्रिंकलिंग होना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में और फोटो में देखा, यदि आप आपके एग्रीगेट को प्रॉपर शेडिंग और स्प्रिंकलिंग करेंगे तो क्या होगा, आपका एग्रीगेट क्या होगा, इतना ज्यादा हॉट नहीं होगा, जिससे आपका जो कंक्रीट का जो टेम्परेचर वो मेंटेन बना रहेगा और आपका जो है कंक्रीट का जो टेम्परेचर है आप क्या होगा उसे कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है, कंट्रोलिंग द एरिया डिसाइडिंग पोर सीक्वेंस ऑफ कॉन्क्रीटिंग सो एज टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ पोर जॉइंट। आपको क्या करना है, जब भी आप कॉन्क्रीट का पोर कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले डिसाइड कर लेना है कि आपको स्टार्ट कहां से करना है एंड कहां से करना है। जैसा कि आप फर्स्ट इमेज में देख रहे हैं कि आपका पोरिंग का शेड्यूलिंग आप सेट कर रहे हैं, और सेकेंड इमेज में आप देख रहे हैं जब आप पोरिंग कर रहे हैं तो बीच में क्या हो रहा है, कोल जॉइंट आ रहा है। कोल जॉइंट आ रहा है मतलब कि एक फर्स्ट लेयर आपका कंक्रीट हो चुका है, सेकंड लेयर आप कंक्रीट करने जा रहे हैं उसी समय उससे पहले आपका फर्स्ट लेयर का कंक्रीट जो है हार्डन हो रहा है। ठीक है, तो आपका कंक्रीट का जो सिक्वेंस है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कोल जॉइंट ना आए। कोल जॉइंट होने से क्या होगा, आपका जो कोल जॉइंट का जो पोर्शन है वहां पर आपकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है कॉन्क्रीट की, वाटर सीपेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब रोकने के भी क्या होते हैं, आपको पोरिंग का सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए, जिससे जो है कॉन्क्रीटिंग में क्रैक्स ना देखने को मिले। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों क्या है कि ऑल ट्रांजिस मिक्सर ड्रम्स विल बी कवर्ड विद हेजन क्लॉथ एंड विल बी केप्ट मॉइस्ट। जैसा कि आप फर्स्ट इमेज में देख रहे हैं ट्रांजिस मिक्सर है, ट्रांजिस मिक्सर का जो ड्रम है वो हमें क्या करना है, प्रॉपरली हमको कवर करना है हेजन क्लॉथ से और उसे मॉइस्ट मतलब गीला भी रखना है, जिससे क्या हो अंदर का जो कंक्रीट है वो क्या हो हमारा मेंटेन हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है फिक्स कंक्रीट पाइप लाइन टू बी कवर्ड विथ हेजन क्लॉथ एंड विल बी केप्ट मॉइस्ट। आपकी जो कॉन्क्रीट पाइप लाइन है उसे भी आप प्रॉपर कवर करें हेजन क्लॉथ से, ठीक है, और उसे भी गीला रखें, जिससे कि क्या हो आपका, जिससे कि आपका कंक्रीट का जो टेम्परेचर है वो थ्रू द प्लेसिंग तक आपको कंक्रीट का टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं कंक्रीट की पाइपलाइन है जिसे भी कवर्ड किया गया है एजेंट क्लॉथ से और उसे मॉइस्ट रखा गया है, जिससे कंक्रीट का टेम्परेचर जो है आपका मेंटेन रहे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों क्यूरिंग टू बी डन इमीडिएटली आफ्टर फिनिशिंग बाय थिक वेट हेजन क्लॉथ इंस्टेड ऑफ कवरिंग प्लास्टिक शीट। जैसे ही आपका पोरिंग हो जाता है, आपका फिनिशिंग हो जाता है, आपका फिनिशिंग कंप्लीट हो जाता है, तो आपका हॉट वेदर कंडीशन में रिक्वायरमेंट होता है कि आप स्प्रिंकल चालू कर दें आपके कॉन्क्रीट सर्फेस के ऊपर,
तो ऐसी कंडीशन में आपको हेजन क्लॉथ का यूज करना है जिसे आप प्रॉपरली स्प्रिंकल चालू कर सके और वो कंक्रीट की जो सरफेस है उसको प्रॉपरली जो है मॉइस्ट रहे वो, ठीक है। आपको प्लास्टिक शीट का यूज नहीं करना है, यहाँ आपको हेजन क्लॉथ का यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, व्हेन पॉसिबल डिलीवरी शुड बी शेड्यूल टू अवॉइड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। यदि आपको पता है आपके दिन में 2 बजे से लेकर 4 बजे तक के पीएम तक ही जो आपका है टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है वेदर का, तो यदि पॉसिबल हो तो आपको जो है आपका कंक्रीट उस समय नहीं मंगवाना है हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे में, जिससे क्या होगा आपका कंक्रीट का जो प्लास्टिक श्रिंकेज का जो कंडीशन बन रहा है वो रुक सकता है। सेकेंड पॉइंट है, इफ प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स appears during final finishing, the finishers may be able to close them by refinishing. यदि आप final finishing कर रहे हैं और final finishing में final finishing के बाद भी आपको plastic shrinkage cracks देखने को मिलती है, तो आपका जो finisher है, जो जैसा कि आप second image में देख रहे हैं, आपका जो finisher है वो क्या कर सकता है, उस plastic shrinkage को close कर सकता है वापस refinishing करके। फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट इमेज में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे फ्लोटिंग यूज किया जा रहा है, सरफेस को फिनिश किया जा रहा है प्रॉपर आफ्टर फिनिशिंग्स। तो इस तरह की जो दोस्तों है मेथड्स आप यूज करेंगे तो हॉट वेदर कंडीशन में आप आपके कंक्रीट को बचा सकते हैं प्लास्टिक श्रिंकेज ड्राई श्रिंकेज क्रैक से। तो दोस्तों यदि आपको आज का मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया हो तो प्लीज उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।